उत्तर प्रदेश की मायावती सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यूपी के लोकायुक्त ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में सिद्दीकी के खिलाफ सीबीआई या प्रवर्तन विभाग से जांच की सिफारिश की है। इसमें तीन आरोप थे, एक तो नजूल की भूमि पर इनके इनके रिश्तेदारों के कब्जे और खनन के पट्टे रिश्तेदारों को दिलाना और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करके बाना में ह्यूज प्रॉपर्टी बनाना। उसके लिए मैंने सीबीआई जांच की सिफारिश की है और ये कहा है कि जो नजूल की भूमि है वो खाली कराई जाए और जो खनन के पट्टे गलत रूप से दिए गए उनको कैंसिल करने की प्रक्रिया अडॉप्ट की जाए। मायावती सरकार में नसीमुद्दीन सिद्दीकी पीडब्ल्यूडी समेत 17 विभागों के मंत्री रहे हैं। बांदा जिले में नसीमुद्दीन सिद्दीकी और उनके बेटे अफजल सिद्दीकी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस लोकायुक्त की जांच में सही पाया गया था, उसी के आधार पर लोकायुक्त ने ये सिफारिश की है।